हाल ही में मौजूदा सरकार द्वारा पेंशन प्रणाली को डिजिटल करने के बाद जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं यह डिजिटल प्रणाली कुछ लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। गांव लोहारी के बुजुर्ग आज उपायुक्त पानीपत से मिलने पहुंचे। गांव के सरपंच भी उनके साथ लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 महीने से उन्हें उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह बार बार सर्वर डाउन होने तथा नेट की कनेक्टिविटी खत्म होने के बारे में बताई जा रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्गों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि पेंशन देने वाला अधिकारी कर्मचारी उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं रखता और बदलाव आने के बावजूद लोगों के लिए मुसीबत आ रही है। अपनी शिकायत बताते हुए बुजुर्ग लोगों ने कहा कि पहले की तरह या तो सरपंच के माध्यम से पेंशन दी जाए या फिर पेंशन बांटने वाले कर्मचारियों को भेजा जाए। उत्तर सिंह, हम गांव लोहारी से हैं। पेंशन के बारे में 2-3 महीने हो गए, पेंशन नहीं हमारी मिल रही। कौन करे हम सही होंगी तो हम क्या उड़े दिखाने के लिए आओ थे, पेंशन दे नहीं रहे। कंप्यूटर नहीं चलता जी, कंप्यूटर नहीं चलता, ऐसे दे नहीं रहा। पैसे मिल गए थे फिर कंप्यूटर नहीं चला, उन्हें पेंशन नहीं दी, फिर पैसे वापिस बता दिए। सारे काम की केरल से मशीन बंद है जी, केरल से वहाँ से वो बंद है कंप्यूटर के शब्दे, लाइन नहीं चलती, हम कैसे पैसे देवे। और भाई पैसे तो चल लगा तो हम देवेंगे, इसका डाखाने वाले देवे, डाखाने वाले पैसे देवे, डाखाने देवे। वो मतलब ना और कोई रास्ता निकालो, हमारे को पेंशन चाहिए। वो और कोई नया रास्ते के जरिए से कहीं से पेंशन दे जाओ या किसी तो और पे दे जाओ, हमारे को क्या पता रेंज आ रही कि नहीं आ रहा। काड़ाक्षर भाई से बराबर नुकसान हो रहा, फायदा क्यों? 2-2 महीने हो गए, 3-6 महीने चल गया, ये 3रा महीना चल रहा है, पेंशन नहीं मिली अभी तक। 1 महीने की तो पिछले की हमारे काम का कह जी लुवाई थी, जी मिली थी बाद में, रही हुई पेंशन नहीं थी। अरे पुआर धो रखे वहाँ, पुआर ने कहा फिर यहाँ आए, हमारे को कोई परेशानी नहीं हो, कोई ऐसी सुविधा करे सरकार हमारे लिए कि भाई हमारी 5-8 साल पेंशन मिल जानी चाहिए। किसी रूप में भी किसी तरह भी कैसे भी दो, तो डाकखाने वाला दो, तो बैंक वाला दो, तो ये और अपनी तरफ से किसी आदमी सरपंच को दे। हाँ जी, चाहे सरपंच द्वारा दी जाए, मतलब हमारे को परेशानी डाकखाने में चाहे सरपंच द्वारा किसी भी तरह काम में हमारी पेंशन दी जावे। क्या नाम आपका? वीर सिंह नाम है जी, गाँव लोहारी से। हाँ, मैं संदीप सरपंच लोहारी से हूँ। जब से ये डाकखाने में मतलब इनकी पेंशन आई तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी पिछले महीने से 3-4 महीने से 2-3 महीने से इनकी पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी है वो तो पेंशन के आधार पे चलते हैं। वो ये जाते हैं तो कभी बोलते हैं सर्वर डाउन आ रहे हैं, कभी कहते हैं पैसे नहीं आ रहे हैं। इनको परेशान किया जा रहा है बेफिजूल में, या तो इनके डायरेक्ट खाते में पेंशन डाली जाए, या जो पहले सिस्टम था जैसे सरपंच के पास आ जाती थी तो वो ऐसे एक दिन में पेंशन हो जाती है, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में हो जाती है। नहीं, लाभ मिल रहा है, डिजिटल ही चल रहा है मतलब, लेकिन उसके सर्वर डाउन रहते हैं। अधिकतर गाँव में उनकी रेंज नहीं रहती, उसकी वजह से सर्वर डाउन रहते हैं। तो उन ये बुजुर्ग उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई नेट नहीं चल रहा है, नेट प्रॉब्लम है, उसके बगैर वो दे नहीं सकते। या तो ऐसा कोई हो लिस्ट द्वारा, जैसे नाम है, नाम का अंगूठा लगवाओ, पेंशन दे दो उनको, रजिस्टर के द्वारा दी जाए, या फिर कोई ऐसी सुविधा की जाए जो इनको परेशानी किसी तरह की ना हो। तुम तो, मैं तो इनके साथ में ये पहले एक बार गांव में भी कई बार शिकायत आती पेंशन नहीं मिल रही, वो कहते ऊपर से आए नहीं है। तो मैं पहले हमारे पास तो इनका रिकॉर्ड होता नहीं है, पहले हमारे पास रिकॉर्ड होता था, अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। डाकखाने में इनकी पेंशन आती है तो हम भी पेंशन के 3 महीने के हमारे पेंशन नहीं मिलती। गांव में बुढ़े ठेरे बता हम के कर सका है, वो तो नहीं कहता हाँ तो चली जाओ, मेरे कोई शान नहीं, न सरपंच को नहीं गए, उसको ही गए हम, सरपंच को नहीं गए। पंच है बीमार है तो फोन है, ये सरपंच के अंदर आ रहे हमारी तो इस प्रदर्शन का सारा था। ये 3 महीने हो गए मिल गई, हाँ बहुत बिल्कुल तंग हो गए बेटा, कोई पैसा नहीं हमारे पास, गरीब मनसा दौरा कड़ा था हमें, और गांव में फिर छण मिल रही थी बेटे चल जाने तक तक तो ये जी गांव भाई अकड़े दुखी हो रहे फिर सरबारी दमा जहाँ भी हाथ पकड़ के बोलता है, डांट के बोलता है, आप भीख नहीं देता। हम देते थे अपनी टाइम पर पेंशन मिले,